गाइस, फिर मैं शर्मा सिद्दीकी आप सबके सामने हाजिर हूँ मेरी एक और इनोवेशन लेकर, मेरी एक और इनोवेटिव रेसिपी लेकर आप सबके सामने। गाइस, आज हम हमारी इसी जो शाम को बहुत ही टेस्टी फूड के साथ एंजॉय करने वाले हैं, जैसा कि आज मैं बनाने वाली हूँ मटन दिल बहार। जी, तो आज गाइस जो हम बनाने वाले हैं वो है मटन दिल बहार, और ये मेरी इनोवेशन है। तो एज ऑलवेज आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी, और उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। गाइस, इसके लिए जो हमें सबसे पहले चाहिए वो हमने यहाँ पर लिया है 1 किलो होल मीट लिया है, जिसमें से हमने 500 ग्राम्स लिए मटन हार्ट और 500 ग्राम हमने लिया मटन मीट नॉर्मल होल। ठीक है, तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है गाइस, बहुत ही अमेजिंग बनती है। और जो हमें इसके अलावा हमें चाहिए होंगे वो है यहाँ पर लॉट्स ऑफ अनियंस। मैंने गाइस यहाँ पर इसमें की क्वांटिटी जो रखी है, आप 1 किलो मटन के साथ, 1 किलो जो मतलब आप मटन हार्ट लेंगे और वो जो भी लेंगे मीट लेंगे उसके साथ आपको चाहिए होगी 1/2 kg अनियंस। तो मैंने यहाँ पर ली है 500 ग्राम्स अनियंस जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया, और यहाँ पर जो गाइस ये है तकरीबन 2 टेबल स्पून सौंफ पाउडर। मैंने सौंफ जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है मैंने उसको ड्राई रोस्ट करके और उसका पाउडर तैयार कर लिया। तो ईजीली आप इस तरीके से सौंफ पाउडर तैयार कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर लिए हैं खड़े मसालों में लौंग, और 5-6 लौंग ली हैं और 5-6 ही काली मिर्च ली हैं, ब्लैक पेपर जिसे हम कहते हैं, और साथ में फूल चकली आती है, बहुत ही अच्छी स्मेल होती है गाइस, तो वो मैंने यहाँ पर लिए थोड़ी सी, बस 2-3 पीसेस छोटे छोटे। और जो हमें इसके अलावा चाहिए, मैं यहाँ पर गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ स्प्रिंग अनियंस एंड ग्रीन चिलीज को और ग्रीन कोरिएंडर को। और इसके अलावा हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे छाछ का। तो गाइस, मैंने यहाँ पर ली है 400 ग्राम्स छाछ, तो और साथ में एज यूजुअल अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो गाइस, सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया, जिसमें मैं हमारी जो अनियंस है उन्हें डीप फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। तो मैं यहाँ पर अनियंस को फ्राई होने के लिए मैंने गैस जो पहले ऑन कर दी थी, अब हम यहाँ इसमें अनियंस डाल देते हैं। मैंने अब फ्लेम तेज कर दी गाइस, सो दैट हमारी जो अनियंस हैं वो जल्दी से फ्राई हो जाएं। इतने हमारी प्याज फ्राई होती है गाइस, इतने हम हमारी जो बाकी की हमारी ग्रेवी की जो प्रिपरेशन है वो कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल। गाइस, मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल लूँगी, क्योंकि जो मटन होता है वो ज़्यादा फैटी होता है, तो साथ में इसमें फैट भी है, तो मैं यहाँ पर फैट यूज़ करूँगी, और इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं ऑयल, इसी वजह से हमने यहाँ पर ऑयल की क्वांटिटी सिर्फ कम रखी है, 1 टेबल स्पून से ऑयल लेंगे। अब यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ हमारे खड़े मसाले, और साथ में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। अब हम ऐड कर देंगे इसमें हमारा धनिया पाउडर, 1 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और साथ में हम ले रहे हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हमें मसाले को अच्छे से भून लेना गाइस, साथ में मैं अब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सौंफ पाउडर। गाइस, सौंफ की वजह से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ जाएगी। थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे सो दैट हमारा मसाला अच्छे से भून। यह हमारी अनियंस जो हैं वो फ्राई होती जा रही हैं। हमें सिर्फ गोल्डन ब्राउन करनी है, डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करनी है अनियंस को, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा जो है मटन। अब हमें मटन को अच्छे से हाई फ्लेम करके
तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही भूनना। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट भी, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब गाइस ये देखिए हमारी जो अनियंस हैं वो हो चुकी हैं, ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये हम इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, ठंडी हो गई है। मैंने इसे छाछ और अनियंस को जो है एक साथ डाल लिया। मैं इसका अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट तैयार करती हूँ। ये देखिए गाइस कितना अच्छा हमारा स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया। छाछ को हमने अनियंस में डाल के उसे पेस्ट बना दिया। अब हम इस पेस्ट को इसमें ऐड कर देंगे। अब गाइस हम इसको प्रेशर कुकर में तकरीबन 20 मिनट के लिए, पहले हम इसे हाई फ्लेम पर करेंगे। जैसे ही इसमें विसल आ जाएगी तो मैं इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ूंगी। देखिए हमारा प्रेशर बन गया है। अब मैं इसका फ्लेम जो है बिल्कुल कम कर देती हूँ और इसे 20 मिनट के लिए हम इसे ऐसे कुक होने देते हैं। हमें तकरीबन 20 मिनट इसे हो गए। अब मैं इसकी प्रेशर निकाल के इसे खोल के देखती हूँ और फिर देखते हैं अब इसमें ये डर लगेगा तो हम इसको फिर, अगर गोश्त गल गया होगा तो हम इसे फिर अच्छे से भून देंगे। ये गाइस गोश्त तो अच्छे से गल गया है। मैं यहाँ पर अब ऐड कर रही हूँ हमारी स्प्रिंग अनियंस, ग्रीन चिलीज को। अब हम इसे हमारे अच्छे से इसकी जो ग्रेवी थिक होने तक हम इसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब गाइस थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, बिल्कुल सिर्फ, ज़्यादा नहीं डालने गाइस, सिर्फ 2 चुटकी मैंने कसूरी मेथी डाली है। अब गाइस ये हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। मैं गैस को, फ्लेम को बंद कर देती हूँ और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कोरिएंडर, धनिया भी डाल दिया है। और अब गाइस इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं सो दैट इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। फिर हम इसे, कितने अच्छे से इसका ऑयल जो है अच्छे से आ गया है ऊपर। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैं आपको इसे सर्व करके दिखा रही हूँ। गाइस गर्मा गर्म हमारा बहार बनकर तैयार है। ये देखिए कितना यमी लग रहा है। और गाइस जितना देखने में ये लजीज लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में लजीज होगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने जब इसे ट्राई किया तो ये आपकी कैसी बनी। तो गाइस आज के लिए मुझे सलमा सिद्दीकी को यहीं इजाज़त दीजिए, फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।